खबर भारत के एक खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और हम बात करेंगे दिमाग की टेंशन और टेंशन को भगाने पर, क्योंकि हम माइग्रेन अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं। कड़वा सच ये है कि दुनिया में हर 7 में से एक इंसान माइग्रेन का शिकार है, और नोट करने वाली बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये समस्या 3 गुना ज्यादा होती है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो दर्द से बचने के उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में तनाव इतना बढ़ गया है, इतनी दिनचर्या हमने बदल दी है, लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है कि तनाव को दूर नहीं किया जा सकता, बचा जा सकता है। तनाव तो आएगा ही, परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन उससे कैसे समाधान निकाला जा सकता है, और अगर ये हमें पता चल जाए कि ये जो परेशानियां हमें आ रही हैं, जो हमें दिक्कतें आ रही हैं, वो माइग्रेन से जुड़ी हुई हैं, तो लक्षण पहचान लिया तो इलाज भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो चलिए, किस तरह से लक्षणों को पहचाना जा सकता है, इसके उपचार के तरीके क्या हो सकते हैं, विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं आपको, तो विशेष रूप से हमारे साथ खबर भारत के स्टूडियो से जुड़ेंगे, लाइव जुड़ेंगे दरअसल वो, और हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्रतीक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, सीनियर न्यूरो फिजिशियन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। माइग्रेन को हम आसान भाषा में तो समझने लगे कि अगर सर की नस फट रही, क्योंकि आम बोलचाल में यही आपके पास परेशानियां लेकर आते होंगे मरीज, कि सर नस फटती है, ऐसा कुछ समझ नहीं आता, चक्कर आ जाता है, और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि सर दीवार से मार दे ताकि चैन आ जाए। ये आम बोलचाल की भाषा में परेशानी बयां करने वाले लोग, आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि आधा सर ही होता है, पूरे सर का होता है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, दर्द इतना तेज और स्टॉपिंग रहता है, जल्दी हो रहा है, उल्टियां होती है, कई बार रात में लाइन से परेशानी हो जाती है। ये सारी चीजें होती हैं जो आप कई बार हमको ये बड़ा जानना चाहिए कि माइग्रेन आपका मरीज ने बाद है पति रोज बनाया, क्योंकि दोनों की इलाज में मरीज की समस्या हो है उसमें इलाज संभव है या दिक्कत है, आसानी से मिलता है और मिला भी नहीं है। अगर आप सही तरह से आपने पहचाने समय पर पहचाने और मरीज के लिए दरअसल माइग्रेन और उसके असर के बारे में, और थोड़ी देर पहले हमारी जब चर्चा हो रही थी, डॉक्टर प्रतीक शर्मा जी, मैं बता दूं दर्शकों को, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए सीनियर न्यूरोफिजिशियन हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से माइग्रेन की परेशानियों से बचा जा सकता है। सर, मेरा जो सवाल था जिसका मैं जवाब चाहूंगी कि हम दोहरा देते हैं दर्शकों को, कि क्या ये बीमारी एक तो क्रॉनिक होती है, यानी एक बार पीड़ित हो गया अगर माइग्रेन से तो इसकी समस्या सालों तक रह सकती है, एक बार निजात पाने के बाद क्या दोबारा इससे घिरने के आसार होते हैं? आपको बता दें, माइग्रेन पर हम बात कर रहे हैं और महिलाओं में इस समस्या को ज्यादा देखा जाता है, 3 गुना ज्यादा माइग्रेन की समस्याओं से जूझती हैं अगर महिलाओं की बात की जाए, और जिस तरह से लक्षणों की हम बात करेंगे, उपाय की हम बात करेंगे, बचाव की हम बात करेंगे। डॉक्टर प्रतीक, आवाज पहुंच रही है सर आप तक मेरी? पहुंच रही है, बताइए। जी सर, ये इससे भी माइग्रेन हो सकता है सर? मुझे लगता है कि छोटी छोटी सी टेंशन लेने की आदतें जो हो गई हैं लोगों में, कि मान लीजिए किसी से बात करना चाहिए, बात नहीं हो पा रही है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, परीक्षा में सफल होने का टेंशन वगैरह वगैरह, तो ये तमाम कारण भी हो सकते हैं माइग्रेन के? नहीं, तनाव के कारण माइग्रेन होना कॉमन बात है और सामान्य बात है, क्योंकि तनाव होता है तो कहीं ना कहीं अनिद्रा, नींद का कम आना, या आपकी दिनचर्या में व्यवधान, देर रात तक नींद ना आना, या देर से नींद आना, या जल्दी खुल जाना, कहीं ना और कम भूख लगना, या अपना कम खाना पीना, तो ये सब चीजें मिलकर के सर दर्द का या माइग्रेन के प्रेसिपिटेट रीजन, हमारी जो उनको ट्रिगर्स कहते हैं, वो उसके कारण हो सकते हैं। तो ये आपस में जुले मिले जुले चीज है, एक आती है तनाव आता है तो निंद्रा आती है, कहीं ना कहीं तनाव के साथ आप
अवसाद या डिप्रेशन भी आ जाता है। ये सब चीजें आपस जुड़ी हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हम लोग जो तनावग्रस्त रहते हैं, बहुत सारी चीजों की चाह रखना, एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करना, ये सब मिलकर ही कहीं ना कहीं माइग्रेन के ट्रिगर्स का कारण बनते हैं। जी बिल्कुल। लक्षणों की अगर हम बात करना चाहें मोटे तौर पर, तो मैंने बताया कि अगर मान लो नींद नहीं आ रही है, सर फट रहा है, ऐसा लग रहा है कि नसें बिल्कुल फट जाएंगी, कई बार बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वॉमिट जैसी फीलिंग भी आने लगती है, ये तो वो जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं एक दूसरे से कि हाँ ये माइग्रेन का एक कारण हो सकता है, बतौर विशेषज्ञ आप क्या कहेंगे कि किस तरह के लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं? जी बिल्कुल, सर दर्द किसी प्रकार का हो जो 4 घंटे चले, जिसके साथ उल्टियां हो, उल्टी की इच्छा बने, या लाइट शो से परेशानी हो, अपने काम करने में अवरोधान पाते हैं, जो मैंने जैसा बताया था 4 घंटे से लेकर 12 घंटे तक चल सकता है, 3 दिन तक चल सकता है, ऐसी व्यवस्था भी आ सकती है। तो अगर आपको लगता है इस तरह का सरदर्द हो रहा है तो माइग्रेन से आप पीड़ित हो सकते हैं। और माइग्रेन के लिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत फ्रिक्वेंट सरदर्द हो, बार बार सरदर्द हो, महीने में एक बार भी हो वो भी माइग्रेन है। छोटे मोटे कारण से सरदर्द बन जाते हैं जो लंबे चलते हैं, वो माइग्रेन है। जो आमतौर पर कई लोग देसी भाषा में कहते हैं कि साहब हमको गैस बनती है और सिर पर चल जाती है, और जो 2 दिन चल जाती है, वो भी माइग्रेन का कारण हो सकते हैं। तो ये सभी माइग्रेन के लक्षण हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरदर्द अगर एक बार हो रहा महीने में तो किसी व्यक्ति के लिए समस्या नहीं होती, पर रोज वाला सरदर्द या हफ्ते में 2 बार या 3 बार वाला सरदर्द, दिन भर चलने वाला सरदर्द, माइग्रेन का अलग तरह की माइग्रेन माइग्रेन कहते हैं, पर ज्यादा माइग्रेन हो रहा है तो क्रॉनिक माइग्रेन है, सबसे इलाज होता है, उससे व्यक्ति की समस्याएं बढ़ती हैं और इलाज का थोड़ा हमको करना ही होता है, जो एक उसका अलग तरीका करने का। तो इसके लिए आप विशेषज्ञ से मिलें, इलाज प्रॉपर लें, दिनचर्या का पालन करें तो बेहतर लाइफ हो सकती है। बिल्कुल सही। क्या इसके भी प्रकार और इसके भी स्तर होते हैं? जी जी, जैसे मैंने बताया कि अगर महीने में एक बार वाला माइग्रेन है तो इनफ्रीक्वेंट माइग्रेन है, अगर महीने में 4 से 6 बार है तो फ्रीक्वेंट माइग्रेन है, तब आपको प्रोफाइलिक्स यानी रोज के लिए दवाई लेनी चाहिए। तो महीने से एक बार है तो सब दर्द खत्म करना, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का, या 1-2 बार है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन काफी होते हैं। पर अगर क्रॉनिक माइग्रेन है, महीने में 15 दिन से ज्यादा दर्द है, तो आपको दवाइयाँ लेनी होंगी, विशेषज्ञ से मुलाकात करनी होगी, कुछ दिनचर्या में परिवर्तन के साथ रोज की दवाइयाँ लेनी होंगी और अपने डॉक्टर से मिलना। उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है क्योंकि क्रॉनिक माइग्रेन कई बार कुछ हफ्तों से नहीं कुछ सालों में बनते हैं। तो अगर उस प्रकार का एक और माइग्रेन होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन माइग्रेन, जिसमें सिर्फ दर्द होता है, एक और प्रकार होता है दूसरा, जिसे हम लोग माइग्रेन विद विजुअल ऑरा कहते हैं, कई बार वो भी एक कारण होता है जो थोड़ा अलग होता है। सरदर्द के पहले आप किसी व्यक्ति को एक तरफा दिखना बंद हो जाता है या झुंझुनी हो जाती है जो 15-20 मिनट तक चलती है, उसके बाद सरदर्द होता है, उसे माइग्रेन विद विजुअल ऑरा कहते हैं। और भी प्रकार के उस माइग्रेन होते हैं जो रेयर वैरायटी है, पर वो भी होते हैं। तो कॉमन माइग्रेन विद माइग्रेन विद विजुअल ऑरा, ये 2 कॉमन प्रकार के आम सामान्य लोगों के लिए जानने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अब अगर हम लक्षणों पर बात कर चुके हैं, इसके प्रकार और इसके स्तर पर भी बात कर चुके हैं, यानी धीरे धीरे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे इसका लेवल इतना बढ़ जाता है, क्या ये लाइलाज भी हो सकता है? मतलब एक बिल्कुल टॉप पर बोलते ना कि लास्ट लेवल जो होता है, उसके बाद जाकर शायद असहनीय पीड़ा, और वो पीड़ा कब नकारात्मक हो जाए, आप समझ सकते हैं मैं किस बात बिल्कुल जब आपने कहा जो क्रॉनिक माइग्रेन है उसमें ये सब चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो साथ में जुड़ जाती हैं, डिप्रेशन, अनिंद्रा, लैक ऑफ स्लीपीनेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा जाना, अनमनापन रहना, ये क्रॉनिक माइग्रेन के हैं। कई बार इसके साथ जो जुड़ जाती है चक्कर कहते हैं, हम कहते हैं माइग्रेन एसोसिएटेड वर्टिगो, वह भी आ जाता है। जैसे मैंने कहा था अगर रोज का माइग्रेन का इलाज आपको, क्योंकि लंबे समय के बाद बना है, आपको इलाज करना होगा, लगातार इलाज करना होगा, और उसमें आप 0 और 100 में नहीं तोलेंगे, हम जिस तरह से धीरे धीरे हम रोज वाला सरदर्द बने, उसी प्रकार से कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, शायद कुछ साल में सरदर्द खत्म कर पाएंगे। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि क्रॉनिक माइग्रेन का इलाज अलग हुआ, महीने में एक बार वाले माइग्रेन का इलाज अलग हुआ, और दोनों के जो हमारे टारगेट होंगे या गोल होंगे वो अलग होंगे। बिल्कुल। क्रॉनिक के बारे में तो मैंने पूछ लिया, क्या ये जेनेटिक भी, अनुवांशिक भी हो सकती है? मतलब ट्रांसफर अनुवांशिक नहीं, फैमिली हिस्ट्री का बड़ा रोल है। परिवार में अगर किसी को माइग्रेन है तो दूसरे व्यक्ति को होने के चांसेस माइग्रेन के अलग हैं, ज्यादा चांसेस हैं, और हर एक का माइग्रेन अलग होता है। हो सकता है माता को सरदर्द एक बार महीने में होता है, तो लड़की को इस बिटिया को भी एक ही बार होगा, हो सकता है उसका क्रॉनिक माइग्रेन, मतलब उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसका अंदर किस तरह का है, उससे ही फर्क पड़ता है। कुछ व्यक्ति जो थोड़े एंग्जियस होते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा माइग्रेन ज्यादा परेशान करता है, इसीलिए हमकी पर्सनैलिटी पर फैमिली हिस्ट्री इसमें रोल जरूर प्ले करती है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी रहता है। जी बिल्कुल। क्या माइग्रेन का संबंध उम्र से भी है? मतलब एक विशेष आयु वर्ग से ये समस्या घिर जाती है, या ये बोल सकते हैं कि जब से आपने तनाव लेना शुरू किया, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो? नहीं, माइग्रेन किसी को भी किसी समय अफेक्ट कर सकता है। चाइल्डहुड माइग्रेन भी अपने आप में एक एंटिटी, पर जो कॉमन माइग्रेन है वो माना जाता है कि 15 से लेके 45 साल तक ज्यादा परेशान करता है।
इस उम्र में, क्योंकि हार्मोन के चेंजेस ज्यादा होते हैं, फीमेल्स में खास कर देखा जाता है, ओल्ड एज में माइग्रेन कम परेशान करता है या कम हो जाता है, पर होता किसी को भी किसी एज में है, सब में सब तरह के रिपोर्टेड केस हैं, सभी तरह देखा जाता है, पर जवानों की ज्यादा बीमारी है ऐसा माइग्रेन के लिए माना जाता है। जी बिल्कुल, जब हमारे पास बहुत सारे सवाल है, उसमें से एक सवाल ये भी था कि माइग्रेन उनका अपने आप ठीक हो गया तब जब उन्होंने नकारात्मक चीजों को सोचना बंद कर दिया, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण उनके माइग्रेन से उनको ऑटोमेटिकली दूर करता चला गया, तो इसका मतलब क्या वो माइग्रेन रहा होगा या सामान्य ऐसा सिरदर्द जिसका लेवल पहले बढ़ जाता था तो वो परेशान हो जाते थे? नहीं नहीं वो बिल्कुल माइग्रेन रहा होगा, पर उन्होंने जैसे कहा क्योंकि आप कई बार आउटगो कर जाते हैं इलनेस से, तो इसलिए अगर जब अपने रक्तता में जियेंगे परेशानी से चल रहे होंगे तो सभी चीजें परेशान करती हैं, पर जो उन्होंने कहा कि अगर आप नकारात्मकता से बाहर निकलेंगे तो हम माइग्रेन से बाहर निकल सकते हैं। जी एक और चीज जो अब देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि जब आपके पास पेरेंट्स आते होंगे समस्या लेके माइग्रेन की अपने बच्चों की, तो ये चीज देखने को मिलता होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूरे टाइम मोबाइल पर लगे रहते हैं, मतलब आधी रात में भी वो मोबाइल और उसकी रोशनी, ये भी खतरनाक हो सकती है, तो मैं चाहूंगी कि आपकी बातों से अभिभावकों को अपने बच्चों को समझाना आसान हो जाएगा। स्क्रीन टाइम का ये अभी जो लॉकडाउन के दौरान दिखा गया कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से माइग्रेन काफी बड़ा, इवन बच्चों में नहीं कुछ बड़ों में जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनको माइग्रेन की समस्या बढ़ी है या सर दर्द की समस्याएं बढ़ी हैं, तो इसलिए अगर आप अपने समय स्क्रीन टाइम कम से कम रहे, लेके चाइल्ड की जो संस्थाएं हैं जो चाइल्ड हेल्थ पर ध्यान देती है उनका मानना है कि इस महीने में हफ्ते में कुछ 8 से 12 घंटे का ही स्क्रीन टाइम रहना चाहिए, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम स्क्रीन टाइम ज्यादा रखते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या टीवी देखते हैं तो भी उससे माइग्रेन बढ़ने का एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, चिकित्सक की दवाई के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स ऐसे सुझाव आप देना चाहेंगे जिन्हें हमें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए? सबसे अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, खुश रहें, समस्याओं से दूर रहें, समस्याएं सबके साथ हैं, अगर समस्याओं को ही पालेंगे तो कहीं ना कहीं माइग्रेन को बढ़ाएंगे, इसलिए स्वस्थ रहें खुश रहें। जी अब महिलाओं के, क्योंकि ये सवाल मैं पहले भी रख चुकी थी लेकिन किसी कारणवश जवाब स्पष्ट नहीं सुनाई दे पा रहा था तकनीकी कारणों की वजह से, मैं चाहूंगी दोबारा हम दोहरा देते हैं उन वर्किंग लेडीज के लिए जो घर और बाहर की जिम्मेदारियों में फंसी हुई हैं और तनाव लेना कहा जाए मजबूरी हो गया है उनके लिए। जैसे आपने खुद ने कहा कि वर्किंग लेडी है तो कहीं ना कहीं वो दो तरफ लड़ाई कर रही होती है, घर की भी और तो उन पर दबा असर होता है, बल तनाव होता है तो माइग्रेन के चांसेस भी जाते हैं, जैसे भी महिलाएं थोड़ी प्रोन ज्यादा होती हैं, डेटा भी जो हमारा कहता है कि फीमेल्स में ज्यादा होता है माइग्रेन, तो उनको अपना ध्यान रखना होगा, स्पेशल ध्यान रखें, कोशिश करें ग्रस्त ना हो, आप हमने जिम्मेदारी डबल लड़ाई ली है तो थोड़ा लड़ने की भी हिम्मत रखें, अपने आसपास जो भी समस्या है जैसे खासकर अगर उनके पेरियड्स की गड़बड़ी है उसको ठीक करें, अपने खान पान में कुछ चीजों की कमी भी माइग्रेन खासकर थायराइड डिस्फंक्शन विटामिन बी12 की कमी ये भी माइग्रेन के लिए हमको प्रेरक बनते हैं, इसको ठीक रखें खुश रहें, चीजें सबके समस्याएं सबके साथ होती हैं, और अगर भी आप जो परिवार की धुरी हैं तो शायद आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दिखानी होगी, सबसे ज्यादा ध्यान रखना अपना और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सारी चीजों को ठीक करते हुए परिवार को भी ध्यान दें अपना भी ध्यान रखें और माइग्रेन से दूर रहें। बिल्कुल, और परिवार को भी हम बोल देते हैं कि वो भी अपने घर की महिला सदस्यों का ध्यान रखें, उन पर कम से कम तनाव डालें, ऑब्वियसली जैसा कि आपने बताया परिवार की धुरी है वो, तो जिम्मेदारी परिवार की भी बन जाती है। एक महत्वपूर्ण सवाल, कितने सिटिंग में आप ट्रीटमेंट को सुनिश्चित कर पाते हैं कि हाँ अब माइग्रेन की समस्या से बाहर निकल चुका है मरीज? व्यक्ति को जब भी माइग्रेन की दवाइयां चालू करते हैं तो उसको थोड़ा समय देना चाहिए, हम आमतौर पर मानते हैं अगर दवाइयां स्टार्ट की हैं 2 मंथ्स हेडेक फ्री, दवाइयां स्टार्ट होने के बाद 2 महीने तक सर दर्द ना हो तब दवाई बंद करें, कोई फिक्स कोर्स नहीं है, हर एक व्यक्ति हर एक मरीज अलग है, उसका इलाज का समय उस मरीज की बीमारी के हिसाब से तय होता है, अगर व्यक्ति को जब 2 महीने तक हेडेक नहीं होगा तब उसकी दवाई बंद करें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी होती है कि हमको सर दर्द बंद हुआ हमने दवाई बंद कर दी 6 महीने बाद दोबारा लौट आया, इसलिए समय जल्दबाजी ना करें, समय दें खुद को भी डॉक्टर को भी और बीमारी को भी, जिससे आप लंबे समय तक बीमारी से मुक्त रहें। बिल्कुल, और एक सुझाव ये भी दर्शकों को दे दीजिए सर कि कोर्स का पूरा किया जाना कितना जरूरी, अगर चिकित्सक ने कहा है कि लगातार 3 महीने तक दवाइयां लेनी है तो लेनी ही है, क्योंकि माइग्रेन शायद ये भी सिखाता है कि धैर्य भी रखना होगा। जी जी बिल्कुल, सभी बीमारी जब मरीज का नाम पेशेंट पेशेंट कहते हैं और मरीज को पेशेंट को पेशेंस तो रखना ही होगा, तो अगर दवाइयां अगर स्वस्थ रहना है तो कुछ दवाइयां लंबे समय तक लेनी है, सरदर्द सिर्फ आपका है, माइग्रेन में और कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, अगर आप सरदर्द है तो सर आपका है, सरदर्द आपका है, इलाज भी आपको लंबे समय तक लेना होगा क्योंकि और किसी व्यक्ति को इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर सरदर्द है तो दवाई भी लेनी होगी, लंबे समय तक लेनी होगी जब तक कि हम बीमारी से मुक्त नहीं हो जाते। जी एक सवाल और हमारे पास आया था,
युवा का ये सवाल था, कॉलेज गोइंग है वो, और उनका ये कहना है कि माइग्रेन की समस्या थी और मुझे चश्मा लगाने का सुझाव दिया गया, सजेशन दिया गया, और चश्मा लगाते हैं तब तक ठीक रहता है और जैसे ही चश्मा हटा देते हैं तो जबरदस्त सर दुखने लगता है, नसें बहुत परेशान करने लगती हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है, मतलब माइग्रेन से ही जुड़ी हुई समस्या है उनकी? नहीं, माइग्रेन हेडेक विद रिफ्लेक्टिव, मतलब आंखों की समस्या के जो देखने की समस्या होती है उसके कारण सर दर्द होते हैं। पर अगर इस तरह के चश्मे, काफी मिसकंसेप्शन है कि सर दर्द का चश्मा लगता है या चश्मे सर दर्द चलाया था, गलत होता है। अगर रिफ्लेक्टिव एरर के कारण चश्मा सर दर्द है तभी वो चश्मे से जाएगा। अगर वो माइग्रेन है तो आपको दवाइयां लेनी होंगी। हो सकता है कुछ तात्कालिक रोक पर, टेम्परेरी रोक पर आपको शायद कुछ सर दर्द में आराम मिल जाता है चश्मे में, पर चश्मा उतारते ही वो दिक्कत बढ़ जाती है। तो एक बार अपने चिकित्सक से सलाह लें, विशेषज्ञ से सलाह लें और भरपूर इलाज लें और माइग्रेन के इलाज लेके स्वस्थ जीवन जिए। एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण भी वो है कि क्या माइग्रेन की समस्या, यानी क्या मैं इसको बीमारी का नाम दे सकती हूँ क्या? बिल्कुल बीमारी है, बिल्कुल जी। क्या ये बीमारी दूसरी बीमारियों का भी घर हो सकती है? नहीं, दूसरी बीमारी को घर तो नहीं, पर दूसरी बीमारी को कारण बन जाता है। कहने की अगर माइग्रेन होता है, आप तनावग्रस्त होते हैं, तनाव से अवसाद आता है और अवसाद से कई बार साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं। और कई बार सर दर्द में छुपके कुछ और बीमारियां सर दर्द में छुपके जाती हैं, तो उनको माइग्रेन का नाम देते हैं पर वो होती है कुछ और है और वो उस पर कई बार जानलेवा स्थिति बन सकती है। अगर सर दर्द है, हर एक को माइग्रेन ना माने, हो सकता है माइग्रेन वाले को भी कुछ ऐसी बीमारियां जिनसे सर दर्द कुछ हो। हमारे पास कई बार ओपीडी में मरीज आते हैं जिनको माइग्रेन था पर अब अचानक सर दर्द का पैटर्न चेंज हुआ है, कोई नई बीमारी होती है और वो चूक हो जाती है और कई बार वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो सर दर्द में अगर माइग्रेन का पैटर्न चेंज हो रहा है, बहुत बार बार हो रहा है, आधे सर वाले पूरा सर हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, तो जरूर एक बार विशेषज्ञ से सलाह लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े इस मुझे पता है दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पेशेंट बैठे हुए हैं लेकिन दर्शकों के लिए, खबर भारत के दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी आपने कम समय में भी। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर प्रतीक शर्मा, सीनियर न्यूरो फिजिशियन है, और जिस तरह से उन्होंने हर सवाल के जवाब में कुछ चीजें कॉमन थी, उन्होंने कहा कि तनाव लेने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल जरूरी है, यही कारण है, जागरूकता की बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी, तभी तो माइग्रेन मंथ हम मना रहे हैं, और जागरूकता के नजरिए से कि अपने आप को खुश रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा। सबके पास परेशानियां हैं, सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, जैसा कि माइग्रेन के कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, तो जरूरत है अगर आपको लग रहा है कि आप इस समस्या से जूझने लगे हैं तो समय रहते लक्षणों को पहचान लीजिए और लक्षणों को पहचान कर तुरंत चिकित्सक की मदद ले लीजिए, उससे निजात मिल सकती है, बजाय ये करने की कि उसको अनदेखा करें और बीमारी को बढ़ाते चले जाएं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही, नमस्कार।